आज हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसका नाम है स्पेशलिटी ऑफ अ सीक्वेंस। ये क्विक सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर एड के अंदर। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वी आर गिवन अ सीक्वेंस ए ऑफ लेंथ एंड एन अ नंबर के। अ नंबर ए आई, बेसिकली जो भी एलिमेंट है उसमें हमें ये देखना है कि जो एलिमेंट है वो स्पेशल एलिमेंट है या नहीं है, और स्पेशल होने की क्या कंडीशन है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कंटीजियस सब एरे दैट कंटेन्स एग्जैक्टली के नंबर्स दैट आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जो हमारे पास करंट एलिमेंट है उसके, मतलब बेसिकली जो भी हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं, अगर उस एलिमेंट से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं पूरे एरे में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, एक स्पेशल एलिमेंट है। और हमें पूरे जो सीक्वेंस है उसकी स्पेशलिटी निकालनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। जितने भी हमारे पास स्पेशल एलिमेंट्स होंगे उन सबका सम हो जाएगा वो स्पेशलिटी ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें वही निकालनी है, वी हैव टू डिटरमाइन द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोवाइडेड सीक्वेंस। तो जैसे हमें अगर इस केस में यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे गिवन है और हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है कि क्या हमारे पास टू लेंथ के, बेसिकली जो टू एलिमेंट्स हैं क्या उनकी बेसिकली टू लेंथ के हमारे पास कोई एक ऐसे सब एरे बन सकती है जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हों, इस करंट एलिमेंट से जैसे फोर से क्या हों, ग्रेटर देन हो। तो अगर हम फोर के लिए चेक करते हैं तो हाँ, हमारे पास सेवन और एट क्या है, कंटीजियस एरे है, बेसिकली कंटीजियस सब एरे है जो कि क्या होगी, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, फोर से ग्रेटर देन हो। ऐसे ही थ्री के लिए भी हम बोल सकते हैं, ऐसे ही टू के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये तीनों के तीनों क्या होंगे, स्पेशल एलिमेंट्स होंगे, और हमें स्पेशलिटी ऑफ सीक्वेंस निकालनी है तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो फोर प्लस थ्री प्लस टू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर नाइन आएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन को ना करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने का हमारे पास सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है ना, जैसे अगर हमारे पास ये गिवन था 1 2 3 7 8, तो ये मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो भी वो इनिशियल एरे था ना उसको मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने का क्या फायदा होगा ये अभी हम समझते हैं। कि जैसे मैंने मान लो ये सॉर्ट करने के बाद मेरे को ये पता करना है कि जो मेरे को बेसिकली क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, कंटीजियस सब एरे है ना, कंटीजियस सब एरे जिसका की साइज क्या हो, बेसिकली जिसका की साइज हो ऑफ साइज के। तो अगर मेरे को ये चीज फाइंड करनी है ना, तो ये मेरे को क्या गिवन है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे को ना ये चीज फाइंड करनी है, कंटीजियस सब एरे ऑफ साइज के। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास ये एन लेंथ है ना पूरी की पूरी, इसमें से मैं मान लो जैसे मेरे पास के की लेंथ जो है वो यहाँ पे टू है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये जो लास्ट वाले दो एलिमेंट्स है ना, ये बाकी सबसे तो छोटे, मतलब बेसिकली बाकी सबसे तो बड़े होने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, इनको सॉर्ट कर लिया है ना। तो अगर ये बाकी सबसे बड़े होने वाले हैं, तो ये जो भी इनिशियल एलिमेंट्स होंगे, तो ये जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे इन सब के लिए, जैसे वन के लिए भी मेरे पास ये दो, ये के साइज का ये वाला एरे है जो कि क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा इस एलिमेंट से। ऐसे टू के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, ऐसे थ्री के लिए भी बोल सकता हूँ। तो मेरे पास जितने भी प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे उसके लिए मेरे पास सारे के सारे ये यही वाला जो सब एरे है ये मेरे पास उसमें होल्ड कर जाएगा, जो मेरे पास कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। तो जितनी भी मेरे पास प्रीवियस लेंथ होगी वो सारा मेरा आंसर में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आंसर ऐसे अगर मैं देखूँ इस केस में आंसर 5 है, मतलब बेसिकली लेंथ जो है वो 5 है और जो मेरे पास k की वैल्यू थी वो 2 है। तो अगर मैं इसको k n माइनस k करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 3 है ना। तो बेसिकली ये जो 3 है ये मेरे पास क्या है, 3 लेंथ है, यानी कि मेरे को तीन एलिमेंट्स तक जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना उन सबका क्या करना है, सम करना है। तो बेसिकली मेरे को इतने एलिमेंट्स का सम करना है। तो अगर मैं इसमें से सम करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसे अगर मैं इस इनपुट में से ही देख लूं, तो इनपुट में मेरे को गिवन है 2 3 4 7 8 है ना। तो अगर मैं इसी को ही अपना आंसर से मतलब समझूं, तो मेरे पास जो सॉर्टेड एरे बनेगा वो क्या बनेगा, जो सॉर्टेड बनेगा वो क्या बनेगा, 2 3 4 7 8 है ना। इनको मैंने क्या ले लिया, इनको मेरे पास के साइज का मैंने वही सब एरे ले लिया जो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें की सारी वैल्यूज क्या होंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज उसके प्रीवियस एलिमेंट से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी है ना। तो मैंने इन तीनों का सम कर दिया, तो जब इन तीनों का सम कर दिया तो मेरे पास नया आंसर आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यही हमें बस करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है बेसिकली जो भी हम सबसे पहले सॉर्टिंग कर देनी है, और जो हमारे पास एन माइनस के लेंथ होगी ना उतनी टाइम्स हमें लूप चलाना है, और जितनी भी वैल्यूज हमारी आ रही होंगी उनको बस सम करते रहना है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मतलब हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरे को इनपुट ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरे इनपुट लेने का तरीका। और फिर जो भी मैंने एरे इनपुट लिया ना, इसमें कैसे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, या तो इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन लगा लें या फिर क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगा लें। तो ये मैंने यहाँ पे क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगाया है, और ये जैसे पूरा का पूरा क्या है, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम है ऊपर। जैसे क्विक सॉर्ट का यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, फिर पार्टीशन को इस तरीके से बेसिकली हम सॉर्टिंग करते हैं हर एक पार्टीशन में। तो और यहाँ पे हम स्वैपिंग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, जो हमारा क्विक सॉर्ट है उसकी एल्गोरिदम है। और जब हमने
सॉर्टिंग कर दी इसमें, तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास एन माइनस के लेंथ है ना, बस हमें उतने टाइम्स इटरेट करना है, और जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही है उसको सब में इंक्रीमेंट करते रहना है। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन, और इतना सा ही कोड था हमारा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।